एनडीए 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग वक्त खत्म। पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद अफराद वोट कास्ट कर सकेंगे। पोलिंग का अमल मजमू तौर पर पुरम रहा। किसी भी पोलिंग स्टेशन पर कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम और सख्त मॉनिटरिंग की गई। मलिक गुल असगर, अकरम खान नियाजी, मुआज़िम शेर कलो और दीगर मदे मुकाबिल थे। पंजाब में हुकूमत साजी का मरहला। मरियम नवाज से मुल्तान से एमपीए सलमान नईम की मुलाकात। पंजाब काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। सलमान नईम ने मरियम नवाज को वजीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दे दी। हुकूमत साजी के लिए सियासी जोड़ तोड़। आजाद परिंदे अपनी अपनी छतरी पर बैठने लगे। शहबाज शरीफ से रजा हयात हराज, महर अकबर हयात और बैरिस्टर असगर हयात की मुलाकात। कबीरवाला से आजाद हैसियत में जीतने वाले तीनों भाई नून लीग में शामिल। इलेक्शन नतज के खिलाफ दायर दरखास्तों की तादाद 13 हो गई। सुरैया सुल्ताना और नबील डाहर का हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच से रुजू। 11 पिटिशन पर अदालत ने आरओ से जवाब तलब कर रखा है। जस्टिस शकील अहमद केस पर समाप्त कर रहे हैं। मुल्तानियों के लिए सेहत के मैदान से अच्छी खबर। वज़ीर-ए-आला ने निचले अस्पताल में अपग्रेडेड वार्ड्स का इफ्तिताह कर दिया। कहा 3.5 अरब के बजट में अस्पताल की तज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल हुआ। मोहसिन नकवी ने किला कोहना कासिम बाग की तज़ीनो आराइश का भी संग बुनियाद रख दिया। तिबी सहूलियात में बेहतरी का मिशन जारी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान की आउटडोर वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तज़ीनो आराइश के मंसूबे पर 37 करोड़ रुपए की लागत आई। रोजाना हजारों मरीज इलाज की सहूलत से मुस्तफीद होंगे। पीएसएल का रंगारंग मेला। मुल्तान की इंतजामिया भी मुतहरिक। डीसी मुल्तान का स्टेडियम और टीम्स के रूट्स का दौरा। सिक्योरिटी ऑडिट ब्रीफिंग ली। कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। टीमों की आमद रफ्त मॉनिटर करने के कमाल। मुस्लिम कॉलेज बुलीवाला वसीम मलूक में स्पोर्ट्स इवेंट सज किया। क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल और फुटबॉल के मुकाबले होंगे। स्पोर्ट्स इवेंट का शिद्दत से इंतजार था। तलबा खेलों की सरगर्मियां शुरू होने पर पुरजोश। जनूबी एशिया का सबसे बड़ा मोटर स्पोर्ट्स इवेंट चोलिस्तान जीप रैली की तैयारियां उरूज पर। सयाहों को तफरीह के नए मौके फराहम किए जाएंगे। 20 फरवरी को बहावलपुर की पहचान नूर महल में इफ्तिताही तकरीब होगी। 22 से 25 फरवरी तक गाड़ियां फराते भरेंगी। जनूबी पंजाब में जानलेवा मर्ज नमूनिया के निशाने पर। 24 घंटे में बहावलपुर में 3 मासूम जान की बाजी हार गए। रवां साल जहां बहक बच्चों की तादाद 41 हो गई। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स मुल्तान में 7 नए मरीज रिपोर्ट हुए। शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान में 27 मरीज रिपोर्ट। आलूदा पानी का इस्तेमाल, आगाही का फुकदान या वजूहात कुछ और। लोधरा में हेपेटाइटिस आउट ऑफ कंट्रोल। हर 10वां शख्स मर्ज में मुबतला। 1000 से ज्यादा मरीज जेरे इलाज। मजीद 1000 सैंपल टेस्टिंग के मराहल में हैं। आवाम के लिए खुशखबरी। एलएनजी की कीमतों में कमी। 1 फरवरी से कीमतों में 9.03% तक कमी। सुई नॉर्दर्न में एलएनजी 1.20, सुई सदरन में 1.29 डॉलर फी एम एम बी टी यू सस्ती। नई कीमत बिल तरतीब 12.49 और 12.96 डॉलर फी एम एम बी टी यू मुकर्रर। आगरा की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। तजावजात माफिया ने राहगीरों पर शाहराहें तंग कर दी। मियांवाली में तजावजात की भरमार के सबब ट्रैफिक जाम मामूल। गाड़ियों की कतारें एम्बुलेंस तक रश में फंस जाती हैं। कोई ट्रैफिक अहलकार नजर नहीं आता। शहरियों के लिए मसाइल बेशुमार। हल केनाल की बाउंड्री वॉल शहरियों के लिए खतरा। मियांवाली से शहबाज खेल तक हिफाजती दीवार टूट फूट का शिकार। किसी भी वक्त कोई भी सहने रूनमा हो सकता है। अब तक मुतादिद जानवर नहर में गिर चुके हैं।
शहरियों ने इस्लाह अहवाल की अपील कर दी। हारूनाबाद के करीब नहर त्रियाल में 30 फीट चौड़ा छिड़काव पड़ गया। कीमती फसलें जेरियाब, गंदम की फसल को शदीद नुकसान। महकमे इन्हार की मुबैना गफलत से छिड़काव पड़ा, किसानों का इल्जाम। महकमे इन्हार की तरफ से नहर में पानी बंद कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में चिल्ड्रन पार्क की तकमील 2 साल बाद भी अधूरी। खेल के लिए मैदान और जनरल बस स्टैंड का मंसूबा भी ताहाल नामुकम्मल। शहरियों का कहना है अधूरे मंसूबों का किसी ने नोटिस नहीं लिया, आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील करते हैं। बिजली चोर कौमी मुजरिम जिनको नकेल डालना जरूरी। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुल्तान समेत दीगर अजला से 1.584 बिलियन रुपए की रिकवरी। मजमुई तौर पर 64 बिजली चोर गिरफ्तार भी हुए। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात। मुल्तान में 11 नशिस्तों पर 23 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड बदर रजा गिलानी कहते हैं फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर वसीम अब्बास बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बहावलपुर ने जनरल सेक्रेटरी की नशिस्त पर इमरान अजीज चेंटर ने कागजात जमा करवा दिए। पंजाब पुलिस में भर्ती के लिए शेड्यूल जारी। मॉनिटरिंग के लिए 3 रुकनी रिक्रूटमेंट और रिव्यू बोर्ड तश्कील। पहले मरहले में 30 अजला में भर्ती की जाएगी। 6 अजला के लिए भर्ती का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा। आवाम को दरपेश मसाइल का दहलीज पर हल। डीपीओ डीजी खान की रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी। मसाइल सुनने के बाद पूरी हल के लिए अहकाम। डीपीओ का कहना था कि मुख्तलिफ इलाकों में जाकर मसाइल सुनेंगे, दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले हैं। पौधों फूलों की देखभाल कैसे करनी है। जनूबी पंजाब भर के मानियों की 1 माह की ट्रेनिंग। किचन गार्डनिंग, टनल फार्मिंग और नर्सरी की तरबियत। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहीमिया खान में तरबियत 29 फरवरी तक जारी रहेगी। और हंसी से लोटपोट हो जाएं और सब दुख भूल जाएं। कॉमेडी से भरपूर पंजाबी फिल्म मैंगो जट के पहले मरहले की अक्सबंदी मुकम्मल। फैसल कुरैशी, हरीम फारूक, कैसर पिया कास्ट में शामिल। फिल्म के 111 सीन मुल्तान में रिकॉर्ड किए गए। फिल्म ईद उल फितर पर नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।